लाइव प्रसन्न तो मैं आपसे शुरू करता हूं मैं कि चार साल बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी फिर रुक रही होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इन चार सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि आप फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही, क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि आप जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिफोर इयर्स दैट आई डिड नॉट, मतलब दो साल, बिकॉज डेढ़ दो साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में। I think have some good parts and have some bad parts, like in all our lives because of COVID. And मेरे लिए भी वैसा ही था। तो एक दो साल मैं काम नहीं किया। I wanted to be with the children, तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता रहूँगा, first hand देख सकें, आर्यन को, सुहाना को, अबराम को, and I could spend time with my family and friends. दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेगी नहीं, तो मैंने alternate business सोचना शुरू कर दिया। मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोलूंगा, उसका नाम रखूंगा रेड चिलीज फूड इटली। मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया। अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूंगा कि सारी बुराइयां आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इसे। सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर 10 डेज ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज इसको पिज्जा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूंगा। तो ये अच्छी बातें हैं। बुरी बात यही है कि घर बैठे रहे। अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी दी थी। जॉन इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, व्हेन आई केम टू मुंबई वी गॉट टू नो ईच अदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड नॉट वर्क टुगेदर। एंड हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बट आई रिक्वेस्टेड हिम, सिर्फ रिक्वेस्टेड हिम, इट वाज वेरी काइंड। फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉटी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो मैंने वर्कआउट किया जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया। सर हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, दो चार सीन में ऐसे किस भी करने वाला जितना कर। और मैं बताना चाहूँगा कि जॉन ने भी ट्राई किया ऐसे ना, क्योंकि एक तरफ मोहब्बत है, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है। बट इट्स नाइस टू बी बैक। मैं जब भी कभी नहीं रहता कोई फिल्म खत्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिजायर है, ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मेरी जेन्युइन डिजायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं। और जब मैं उसमें फेल होता हूं, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है, तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपको खुशी बांट सकूँ और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। क्योंकि एज यू विल नोटिस द फिल्म इज अ वेरी बिग फिल्म, it will be an expensive film, it is a time consuming film, but to get me and give me a chance to come at a time when I wasn't working and allow me to be a part of this film, I will ever ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth, and then to Deepika of course. Main to grateful nahi kehta, mohabbat kam ho jayegi, but I just want to say to my friends and enjoy this film. Main wo 4 saal bhool gaya hu pichle 4 din mein, these 4 days are the happiest. And thanks to all of you, जो लोगों ने पिक्चर देखी है, इसलिए शाहरुख 4 साल की पुरानी बातें भूल गए, ये सिर्फ 4 दिन याद कर रहे हैं जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रहे हैं। ज़ोरदार तालियों की गिनती के लिए। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो चाहे जयपुर में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान के किसी कोने में हो या आंध्र के किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को। और रजिस्टर में मेरे साथ में मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए।